नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अभी तक हम लोग सिविल सर्विस के बारे में बहुत सारी क्लासें ले चुके हैं, और अगर आप लोगों ने नहीं देखी हुई हैं तो सिविल सेवा परीक्षा के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची है, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि देखने के बाद आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस रहते थे उन सब के जवाब आपको मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो आप लोग पूछिएगा सवाल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके जवाब दे पाऊं। अगर मुझे भी मालूम नहीं होगा तो मैं कहीं से भी उनके आंसर लेकर जरूर आऊंगा। और लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने पेपर, जो सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट होता है, मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं, और सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड होता है, जिन्हें आप लोग क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, जनरल स्टडीज पेपर सेकंड, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने काफ़ी जानकारी देखी हुई थी। इनका पाठ्यक्रम कैसा रहता है उस पर भी हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी, तो इन्हें आप लोग देख लीजिएगा सभी क्लासों को। अब बाती है पेपर, अगर हम लोग क्रम की बात करें, देखिए मान लीजिए आप लोगों ने से बताया भी था कि सितंबर में आपका मुख्य परीक्षा होती है, और 1 सितंबर को आपका निबंध हो जाता है, 2 सितंबर को आप देखिए कि आपका पेपर, जो सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है, ये ख़त्म हो जाता है। एक ही दिन में आप देखेंगे दोनों ये पेपर ख़त्म हो जाएंगे। फिर आता है आपका 3 सितंबर, अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आगे बढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन 3 सितंबर को आप देखेंगे कि पेपर थर्ड, जो सामान्य अध्ययन का है, और पेपर फोर, ये दोनों पेपर आपकी 3 सितंबर को हो जाएंगे। और अगर आप लोग क्रम से बात करें कि कौन सा पेपर होगा, तो सामान्य अध्ययन को जो आपका निबंध है इसे पेपर फर्स्ट मान लीजिए, फिर आप देखिए कि पेपर, जो सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट होगा उसे आप लोग दूसरा पेपर मान लीजिए, इसे आप लोग तीसरा पेपर मान लीजिए, इसे आप लोग चौथा पेपर मान लीजिए, और इसे पांच पेपर आप पांचवा पेपर मान लीजिए। इसीलिए आप देखेंगे जो सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड है ये आपका प्रश्न पत्र फोर होगा, चौथे नंबर का होगा, समझ रहे हैं आप लोग, तो ये आप लोग मालूम होना चाहिए। और आपको बता दूं कि जो सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड है ये आपका 3 घंटे का रहता है, कितने घंटे का रहता है, 3 घंटे का रहता है, और इसके लिए नंबर कितने रहते हैं, कितने नंबर का रहता है, 250 नंबर का रहता है। और इन सब के क्वेश्चंस जो ये नंबर है ना, इनके ये नंबर आपके मुख्य परीक्षा के हैं, जिनके आधार पर आप देखते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है आपकी, तो आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। तो जो सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड है इसके क्या पाठ्यक्रम होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इस पर हमें बात करनी है। तो इसमें आपको बता दूं कि इसमें टोटल आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, कितने, 20, 20, और याद रखिए ये सभी आप देखेंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे होंगे आपके पेपर पर, और आने वाले समय में हम लोग पेपरों को भी देखेंगे, 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर सभी उठा के देखेंगे। आप लोग भी मेन साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप लोग मार्केट से खरीद लें बुक्स कोई, तो मुझे लगता है बेहतर आपके पास विकल्प रहेगा। और याद रखिए जो पेपर थर्ड है आपका, किसका, सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड, और वैसे क्रम में देखेंगे तो ये चौथे नंबर का पेपर है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके पास 20 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, और एक से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक इनके आंसर आपको 150 शब्दों में देने होंगे, लगभग 150 शब्दों में। और जो आप लोग 11 से, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक देखेंगे, इनके आंसर आप लोगों को 250 यानी कि 250 शब्दों के लगभग देने होंगे, तो ये आप लोग याद रखिए। और ये सभी क्वेश्चंस जो 20 होते हैं इन्हें अनिवार्य रूप से आप लोगों को सॉल्व करना होगा। अब आपको अगर नहीं आते हैं तो ये अलग बात होती है, लेकिन आप लोगों को सभी के आंसर देने होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें कि पढ़ना क्या क्या है, आप लोगों को सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या क्या है। तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी,
आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, इतने टॉपिक आप लोगों को पेपर थर्ड के लिए पढ़ना पड़ेगा, सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? इन्हें थोड़ा और विस्तार से आप लोग देख लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय को आप लोगों को पढ़ना है और विस्तार से आप लोगों को पढ़ना है। और मैं हर क्लास में आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को निकालना है सही में पेपर, तो आप लोग NCERT को 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। आगे इसी पेपर सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड के लिए आपको समावेशी विकास और इससे उत्पन्न जो विषय हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। फिर आप लोगों को सरकारी बजट के बारे में पढ़ना होगा। आप सभी जानते हैं कि आपके बजट हर साल आता है, आर्थिक सर्वेक्षण होता है, उन्हें भी आप लोगों को पढ़ना है। फिर आप देखेंगे मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में जो फसलों का पैटर्न है, सिंचाई है के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन, विपणन संबंधित विषय, बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, इस सब के बारे में सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड के लिए पढ़ना है। इसी पेपर में आप लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र के बारे में आपको पढ़ना है। और आप देखते हैं कि हमारे देश के किसान की क्या हालत है, तो इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना भी रहती है। इसी पेपर में आप लोगों को सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड में ही आपको भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग कार्यक्षेत्र एवं महत्व स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। इसी पेपर में आपको भारत में भूमि सुधार के बारे में पढ़ना है, इस टॉपिक को भी देखना होगा। इसी पेपर के लिए उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, इसके बारे में पढ़ना है। जनरल स्टडीज पेपर यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड में आप लोगों को क्या पढ़ना है, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमान पतन, रेलवे, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। इसी पेपर में आप लोग निवेश मॉडल को भी पढ़ेंगे टॉपिक को। इसी पेपर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास, अनुपयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में पढ़ना है। इसी में आप देखेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धि क्या रही है, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, इसमें भी आप लोगों को ये भी पढ़ना है। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा, अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता के बारे में पढ़ना है। इसी पेपर में सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड में संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसी में आप देखेंगे आपदा और आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। इसी में आप देखेंगे विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध के बारे में पढ़ना है। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाली शासन विरोधी तत्वों की भूमिका के बारे में पढ़ना होगा। इसी में आप देखेंगे संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना, इस सब टॉपिक को कवर करना है। इसी में आपको सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों, उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध के बारे में पढ़ना होगा। और इसी में आप देखेंगे विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाओं, उनके अधिदेश के बारे में पढ़ना है। जो सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड है, इसमें जो 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, उन्हें आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, उनका आंसर देने के लिए इतने सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे, ठीक है। अब आप देखते हैं कि आपका पेपर बचता है 4, क्या पेपर 4। और याद रखिए, बेसिक क्रम में अगर हम लोग बात करें तो ये 5वां पेपर होगा आपका, ठीक है। लेकिन वैसे आप लोग नाम क्या देते हैं इसे, सामान्य अध्ययन पेपर 4। और इसमें अगर आप बात करें कि इसके बारे में कुछ पॉइंट बता दूं आपको, तो आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं? तो पेपर 4 में आप देखेंगे 3 घंटे का रहता है, ये भी आपका 3 घंटे का रहता है और 250 नंबर का रहता है आपका,
250 नंबर का रहता है, ठीक है। और आपको बता दूं कि इसमें आप देखेंगे, इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में छपा होगा, और इसमें 12 प्रश्न आपके रहेंगे जो दो खंडों में आपको विभाजित देखने को मिलेंगे। क्या? दो खंडों में आपको विभाजित देखने को मिलेंगे, खंड ए और आपका खंड बी, खंड बी रहेगा। तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। पेपर को हम लोग क्या करेंगे कि पेपर जो आपके हैं इसे हम लोग विस्तार से बात करेंगे कभी, और पेपर बाय पेपर सभी को देखेंगे कि देखिए क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, तो उन्हें हम लोग अच्छे से देखेंगे आपके, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें लेकिन इसका पाठ्यक्रम क्या है उस पर हम लोग जरूर बात कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को पढ़ना है नीति शास्त्र, जिसे आप लोग इथिक्स कहते हैं। फिर आप देखिए सत्यनिष्ठा और अभिरुचि के बारे में पढ़ना है। और याद रखिए पेपर अगर 4 आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया तो मैं इतना मानता हूँ कि आप अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे इस पेपर को पढ़ने के बाद। आप लोगों में वो गुण आ जाएंगे, वो क्वालिटी एक तरह से आपके अंदर समाहित हो जाएंगी जो एक सिविल सेवक में होती हैं। और मुझे लगता है कि अगर पेपर 4 पढ़ लेते हैं तो एक बेहतर इंसान जरूर बनेंगे। और याद रखिए कि आप समझिए कि बेहतर इंसान बन पाना इतना आसान भी नहीं होता है। और मुझे लगता है कि पेपर अगर चले, मेरी चले, तो पेपर 4 पूरे भारत के हर नागरिक को पढ़ाना चाहिए एक तरह से, कि कम से कम उसमें उन्होंने कुछ इस तरह की क्वालिटी तो आए। तो इसमें भी आप लोग देख लीजिए क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिव्यक्ति और उनके दृष्टिकोण और समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों और सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। और इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले का अध्ययन, केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है, और मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। एक बात और आपको बता दूं यहाँ कि आप लोगों से ऐसा पूछा जाएगा कि ये कंडीशन है तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, समझ रहे हैं। इस तरह के पैराग्राफ आपको देगा, पूछ लेगा या क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो आप लोग क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करके एक बार पढ़ भी लीजिएगा। इसमें आप लोग नीति शास्त्र तो मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारण, निर्धारक को परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र मानवीय मूल, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन और उनके उपदेशों की से शिक्षा, मूल विकसित करने में परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा पेपर 4 के लिए, सामान्य अध्ययन पेपर 4 के लिए। फिर आप लोगों को पढ़ना है अभिवृत्ति, सारांश, कंटेंट, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण, ठीक है। इसी में, इसी पेपर के लिए आप लोगों को सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेदना, आप लोगों के पास ये सभी क्वालिटी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग भेदभाव करने लगें, फिर सिविल सर्विस का, सिविल सर्व सेवक का मतलब क्या रह गया है, समझ रहे हैं। हर मुसीबत से एक तरह से आपको समझना चाहिए इन्हें। फिर आप इसी में पढ़ेंगे भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। इसी में आप भारत एवं भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों के योगदान के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे इसी में आप लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य और नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं एवं दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियमन, अंतरात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीतिपरक और तथा नैतिक नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा नीति व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। पेपर 4 यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 4 के लिए
आप लोग शासन में व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचार आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ, इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। और याद रखिए, अगर आप लोग पेपर 4 पढ़ लेंगे, यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 4 की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगेगा आप लोगों को कि आपने बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोगों को ज्ञानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडी, आप लोग जानते हैं केस स्टडी के बारे में आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आने वाले समय में क्वेश्चंस देखेंगे, तो वहाँ आप लोगों को और भी अच्छे से मालूम चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मुख्य परीक्षा के भी हम लोग 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर जरूर देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा की पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग मुख्य परीक्षा के भी देखेंगे। इस तरह से आपके तीसरा दिन, यानी कि मान लीजिए 3 सितंबर को आपका पेपर 3 सामान्य अध्ययन पेपर 3 और 4 खत्म हो जाता है। अभी तक आपके मुख्य परीक्षा यानी कि मेन परीक्षा के कितने क्वेश्चंस पेपर हम लोग खत्म कर चुके हैं? पहले दिन आपने देखा था कि आपने निबंध पेपर दिया था, दूसरे दिन आपने देखा है कि पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2 दिया था। उसके बाद आपने तीसरे दिन सामान्य अध्ययन पेपर 3 यानी कि तीसरा और सामान्य अध्ययन पेपर 4 यानी कि चौथा दिया था। इस तरह से हम लोगों ने टोटल अभी तक 5 पेपर खत्म कर चुके हैं 3 दिन में। समझ रहे हैं आप लोग? अब आप देखेंगे कि ये 3 पेपर हमारे खत्म हो जाते हैं, यानी कि 3 दिन में हमारे 5 पेपर खत्म हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वीक हो गए, अब बीच में आप लोगों को कुछ समय भी मिलेगा। सामान्यतः अभी तक यही रही है परंपरा, आप कह लीजिए या जो भी आपको कहना है, कि 3 दिन में ये 5 पेपर खत्म होने के बाद कुछ दिन का आपको गैप भी मिलता है। उसके आप देखेंगे कि आपका पेपर खत्म होता है, उसके अगले वीक आपके फिर से पेपर, जो इंडियन लैंग्वेज मतलब भारतीय भाषा है जिनमें आप लोग एक चयन करते हैं भाषा, उसमें आप लोग देते हैं। जैसे आप लोग असमीज ले लीजिए, बंगाली ले लीजिए, बोडो ले लीजिए, गुजराती, हिंदी, और आप लोग देखते हैं एक अनिवार्य पेपर रहता है पेपर B जैसे कहते हैं। पेपर A में आप हिंदी या कोई भी आप लोग भाषा चुन सकते हैं, पेपर B इंग्लिश जो अनिवार्य रहती है। तो अगले वीक में आप देखेंगे कि वो पेपर दोनों एक ही दिन में हो जाएंगे आपके। क्या हो जाएंगे? दोनों एक ही दिन में हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए सुबह 9 से 12 आपका जो पहला पेपर है इंडियन लैंग्वेज मतलब भाषा में रहेगा जो भी रहेगा, और दूसरा आप देखेंगे कि 2 से 5 आपका पेपर B यानी कि इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके अगले दिन क्या होगा आपका? पेपर आपका ऑप्शनल के होंगे, और ऑप्शनल के भी याद रखिए दोनों पेपर, जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री ले लिया हुआ है ऑप्शनल, तो हिस्ट्री में आपके 2 पेपर होंगे, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, तो ये भी आपके एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पेपर आपका ऑप्शनल का पहला पेपर आज हो जाता है, ऑप्शनल का पेपर दूसरा कल होगा, नहीं, एक ही दिन में ये खत्म हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ऑप्शनल का पहला पेपर 9 से 12 में खत्म हो जाएगा सुबह की शिफ्ट में, और दूसरा जो पेपर होगा जो आपका दोपहर में 2 बजे के बाद 2 से 5 आपका वो भी खत्म हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो हो सकता है कि आज मतलब हो गया पेपर पहला, और कोई समस्या बहुत आन खड़ी हुई है, तो अगले दिन भी करवा सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने देखा है कि 2018 में देख लीजिए, 2019 में देख लीजिए, 2020 में देख लीजिए आप लोग, कि 5 दिन में आपकी सभी पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, मुख्य परीक्षा 5 दिन में खत्म हो जाती है। ठीक है, कि मतलब आप सोचिए कि पहले दिन में आपका ऐसे ही खत्म हो गया, दूसरे दिन में आप देखिए कि आपका पेपर सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2 खत्म हो जाता है, तीसरे दिन में आप देखेंगे सामान्य अध्ययन पेपर 3,
और सामान्य अध्ययन पेपर 4 खत्म हो जाता है, फिर बीच में आप लोगों को कुछ दिन का गैप मिल जाएगा, उसके अगले भी आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि आपका एक ही दिन में आपका जो पेपर 1 है, जिसे आप लोग पेपर 1 कहते हैं, पेपर 2 कहते हैं, ए ख़त्म हो जाएगा। उसके अगले दिन क्या होगा कि पेपर आपका ऑप्शनल के ख़त्म हो जाएंगे दोनों, पेपर 1 और पेपर 2, इस तरह से आपकी मुख्य परीक्षा होगी। तो आज हम लोग पेपर 3 और पेपर 4 को देख चुके हैं, आने वाले समय में हम लोग दोनों को देखेंगे, उन्हें पेपर 1 को पेपर 2 को। कुत्ते भी काफ़ी पढ़ने की विचार में, मुझे लगता है आवाज़ भी आ रही है। चलिए खैर, पढ़ते रहिए आप लोग, हम लोग मिलते हैं वहीं।